लगातार आरजे न्यूज की खबर दिखाए जाने के बाद 53 दिनों से अपनी मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे दिवंगत शिक्षक के परिजनों का सुध आखिरकार छत्तीसगढ़ सरकार ने ले ही लिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने उनकी मांगों को लेकर एक टीम गठित करने की बात कही है। बता दें कि लगातार कई अनोखे तरीके से राजधानी रायपुर में दिवंगत शिक्षक पंचायत अनुकंपा संघ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में कल अग्नि समाधि लिए थे, जिसमें एक महिला को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने इनकी सुध ली है। सरकार के इस कदम को लेकर दिवंगत शिक्षक के परिजन आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर आरजे न्यूज से बात करते हुए कहा कि अगर सरकार को कदम उठाना है तो कैबिनेट में चर्चा कर हमें तत्काल नियुक्त किया जाए। सर, मैं सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हमारी मांग को लेकर मुख्यमंत्री तक पहुँचा रहे हैं। और ये जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो कल कमेटी गठित की गई है, सर मैं कमेटी हमको नहीं चाहिए। कमेटी मुख्यमंत्री जी को तो ये करना था कि एक कैबिनेट बैठक बिठा के उनको वहाँ प्रस्ताव पारित करना था और जितनी भी बहनें अनुकंपा वाली यहाँ बहनें बैठी हुई है उनका निराकरण तुरंत कर देना चाहिए था। 53 दिन में उन्होंने अभी जो समिति गठित करी है, मैं उसका खंडन करती हूँ। ये सब नहीं होना चाहिए था। एक संवेदनशील मामला और एक संवेदनशील मुख्यमंत्री जी को तुरंत निराकरण करना चाहिए। और मैं अभी 2-4 दिन में देख रही हूँ सर, अगर निराकरण नहीं होता तो महिलाएं उग्र होकर मुंडन करवाएगी और अनशन पे बैठेगी। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द इसका निराकरण करें और अनुकंपा नियुक्ति का जल्द आदेश करें। दिवंगत पंचायत अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के लगातार प्रदर्शन जारी है और 53वें दिन के बाद सरकार को आखिरकार संज्ञान लेना ही पड़ा, विवश तौर पे ही। बल्कि जिस तरीके से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के यहाँ पर महिलाएं हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन इस तरह से आतुर हो गया कि अग्नि समाधि लेना पड़ा, जिसके बाद सरकार को आनन फानन में निर्णय लेना पड़ा, जिसके बाद जाँच टीम गठित किया गया है। ये जांच टीम ये तय करेगा क्या किनको किनको नियमितीकरण होगा, उन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे साथ कुछ दिवंगत पंचायत अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रदर्शन करें महिलाएं हैं, किस तरह से देख रहे हैं सरकार ने टीम गठित किया है? जो टीम गठित किया है कमेटी, तो हम लोगों के लिए 3 फरवरी के भी बनाया गया था, लेकिन उसमें सार्थक निर्णय नहीं आया है। आज भी भूपेश बघेल हम लोगों के लिए फिर से कमेटी का गठन किया है, जिसका हम लोग खंडन करते हैं। कमेटी गठन करने वाली कोई बात ही नहीं है, डायरेक्टली उनको आदेश जारी करना था। और क्या परीक्षण करेगा वो, अनुकंपा नियुक्ति का आदेश ही उसको जारी करना था और कमेटी का कोई मतलब नहीं है। और स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव का भी ये बयान सामने आता है कि जो अनियमित है उनके लिए नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कुछ कह रहे थे और इन पर चर्चा चल रही है। वो अनियमित बोलना उनका गलत है, उसको तो मैं डायरेक्टली गलत मानती हूँ। जब समय मान वेतन जिसको मिलता है, TA/DA मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है और 2 साल मतलब जो भी संविदा कर्मचारी रहते हैं उन लोग 2 साल पूरा कर लेते हैं, उन लोगों को नियमित माना जाता है ना। तो मैं हम लोगों की जितने भी यहाँ महिला हैं उनके पति तो 18 साल 20 साल 25 साल नौकरी करे हैं, तो वो क्या अनियमित है? उससे मैं सवाल करती हूँ TS बाबा से। और हमारे जितने भी महिला हैं सबके जो पति हैं ना और परिजन हैं वो सब लोग नियमित कर्मचारी थे, अनियमित कर्मचारी नहीं थे। TS बाबा कैसे बोलता है वो हम लोगों को कुछ समझ नहीं आता है। जब हम लोग जाते हैं उनके पास मिलने तो बोलता है मैं करूंगा करूंगा, वो खुद वादा किया है हम लोगों से कि चुनाव टाइम में कि जैसे ही मेरा सत्ता आता है और मैं आप लोगों का मांग पूरा कर दूंगा, तो ये ऐसा ऐसा क्यों बोलता है वो खुद ही समझे। एक बड़ा सवाल है क्योंकि जांच टीम गठित होने के बाद क्या लगता है आप लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा, कौन कौन हमसे मिलने के लिए आए थे, क्या कुछ आश्वासन मिला आप लोगों को? हम लोगों को तो अभी तक कल के डेट में जो कमेटी गठन हुआ है और उसके पहले तो कोई लोग जो कांग्रेस प्रतिनिधि हम लोगों से मिलने कोई भी नहीं आए हैं अभी तक। जब हम लोग अग्नि समाधि लिए मेरे ग्रुप के 2 महिलाएं, तब ये कमेटी का गठन हुआ है और उसके पहले तो कुछ नहीं हुआ था। कुछ लोग और उनसे बातचीत करते हैं, आप बताएंगे भैया कि किस तरीके से देख रहे हैं सरकार संज्ञान लिया है, कहीं ना कहीं दबाव पूर्ण है सही लेकिन संज्ञान लिया है, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, सरकार जरूर हमारी मांगों को अपनी संज्ञान में ली है, लेकिन जो कमेटी गठित की है बिल्कुल हम उस कमेटी जो गठित किया है उसका हम खंडन और कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। क्योंकि हमारी मांगों को लेकर सरकार 3 फरवरी को भी कमेटी गठित की थी, आज 9 महीने हो जाने के बाद उस कमेटी का जब निर्णय नहीं आया है तो इस कमेटी का हम किस